Welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing you well, healthy, happy, safe and sound. So guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, हाउ दे विल डिस्क्राइब यू टू देयर फैमिली और फ्रेंड्स. ओके, अपने फैमिली या फ्रेंड्स को वो आपके बारे में कैसे बताएंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, हाउ आपको वो कैसे डिस्क्राइब कैसे करेंगे उनको. ओके, सो आपके यहाँ पर बर्थ डेट्स हैं पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, ग्रुप नंबर 1 ब्लू क्रिस्टल एंड ग्रुप नंबर 2 पिंक क्रिस्टल. दिस इज लाइट पिंक, बेबी पिंक, शेडो टाइप क्रिस्टल. ओके, सो चूज योर पाइल. आई विल सी यू इन योर रीडिंग. आपके टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. आई विल सी यू इन अ व्हाइल. हेलो हेलो एंड वेलकम पाइल नंबर 1. हम देखने लगे हैं कि हाउ योर पार्टनर विल डिस्क्राइब यू टू देयर फैमिली, टू देयर फ्रेंड्स. आपको वो किस तरह बयान करेंगे, कैसे वो एक्सप्लेन करेंगे आपको, हाउ वुड दे डिस्क्राइब यू. ओके, दिस इज 5 ऑफ सोर्ड्स एंड द 7 ऑफ वैंड्स एंड 2 ऑफ कप्स. ओह, दिस इज सच अ लवली मैसेज ग्रुप नंबर 1. आई थिंक आपकी थोड़ी सा बॉसी पर्सनैलिटी है, या मे बी यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन. आप नर्व्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो. आप लाइक जल्दी से मतलब आपको पटाना, जैसे यू नो दिस इज दिस लैंग्वेज, बट यू नो बहुत मुश्किल रहा है उनके लिए आपको मतलब अपनी प्यार के उसमें लाना, या आपको आपको ये चीज़ बताना कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, आपको यकीन विश्वास दिलाना इंतहाई 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 मुश्किल रहा है इनके लिए. ओके, और ये ऐसे मतलब एक्सप्लेन ये इस तरह से करते हैं आपको अपने फ्रेंड्स को, एज इफ़ यू आर द पर्सन के जिसको डील करना इतना आसान जो है ना वो नहीं रहा आपके पर्सन के लिए. दूसरी चीज़ मुझे तो ये लग रही है कि 5 ऑफ सोर्ड्स, आप ना थोड़ा ना गुस्सा करते हो आई थिंक. तो वो जो गुस्सा है ना, वो जो गुस्से वाली एक एनर्जी है वो मुझे यहाँ दिख रही है. तो कहीं ना कहीं ऐसी होता है, होता रहा है आपकी मतलब सिचुएशन में, कि आप और आपका पर्सन मतलब छोटी बातों पर लड़ते रहे हो, या हो सकता है कि आपको मतलब वो उनको ऐसे लगता है कि आप थोड़े से मतलब उनको आपसे बच के रहना चाहिए. ओके, बट देयर इज अ बिग बट ओवर हियर, कि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी इज एक्सप्लेनिंग रियली कि आपका पर्सन जो मर्जी हो ले, चाहे आपसे जितना झगड़ता रहा है, या हो सकता है उनको ऐसे फील होता रहा कि उनको आपसे बच के रहना चाहिए या व्हाटएवर, लेकिन उनको ऐसे लगता है कि जो भी है आप उनके सोलमेट हैं. अगर आप उनसे लड़ते भी हो, झगड़ते भी हो, तो उनको पता है कि आप किस वजह से लड़ रहे थे, क्या मकसद था, क्या मतलब मोटिव क्या था, कि गुस्से के पीछे आपका प्यार छिपा हुआ था. दैट्स वाई यू नो फॉट विद दैम. लेकिन बात यह है कि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी इज़ रियली इंटीमेट रिलेशनशिप. ओके, आप लोग जितना भी लड़ लो, आप लोग जितना भी एक दूसरे से कर लो, ऐसे दूसरों को एक्सप्लेन करते हैं कि जितना भी मेरे से वो लड़ ले, लेकिन पहली बात है वो मेरी बैटरमेंट के लिए कैरी होती है, और दूसरी बात यह है कि वो है मेरी ही, चाहे जिधर भी चले जाए, चाहे वो जिसके भी साथ हो ले, लेकिन है वो मेरी ही, और वो कभी भी मतलब दिस. ओके, तो मतलब गुस्से में भी इसका प्यार छुपा हुआ था, पहली तो चीज़ मुझे ये चीज़ दिखी है. आई बिलीव आप अपने पर्सन को जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन मुझे इतना तो कंफर्म हो चुका है इस मतलब इस रीडिंग से कि आपके पर्सन और आपके बीच केमिस्ट्री आउट क्लास होगी. या आपके पर्सन थोड़े फैमिलिन एनर्जी में हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर है. 2 नंबर रिप्रेजेंट्स द फैमिलिनिटी. ओके, तो फैमिलिनिटी का मतलब ये होता है कि दिस पर्सन इज़ काइंड, जेंटल, सॉफ्ट. ओके, और अगर आप कभी बॉसी होते हो, कभी आपको गुस्सा आता है, तो ये इंसान आगे से चुप कर जाएगा फॉर द टाइम बट ऑफ कोर्स
इन लिमिट्स. ओके, ऑफ कोर्स लिमिट से ज़्यादा कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, बट यू नो प्यार मोहब्बत की जो लड़ाई है ये बंदा माइंड नहीं करने वाला, और ऐसा ही दूसरों को ये बताते हैं. व्हाट एल्स? ओके, जजमेंट एनर्जी है और आपके पास है टावर. पाइल नंबर वन, क्यों इतना गुस्सा करते हो उन पर? वेल, इस बंदे की ना एक दूसरी चीज़ जो एक्सप्लेन वो करता है दूसरे अपने मतलब फ्रेंड्स को या फैमिली को, कि उनको ना आज तक समझ नहीं आ सकी आपकी, बिकॉज दिस पर्सन इज़ रियली क्यूरियस अबाउट यू. क्यूरियस अबाउट व्हाट? के वो इस बारे में क्यूरियस है कि आपको इतना गुस्सा आखिर क्यों आता है. टावर एनर्जी, ठीक है. और फोर ऑफ कप्स मतलब हो सकता है थोड़ा मे बी हार्मोनल चेंजेस, यू नो फीमेल के रहते हैं लाइक से मंथली साइकिल ये सब चीज़ों की वजह से. लेकिन वो बंदा काफ़ी इस चीज़ों को जानने की कोशिश करता है पेज ऑफ सोर्स. मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल ही बेहिस होके और उसको कोई परवाह ही नहीं है, जो मर्ज़ी आप करें ना करें गुस्सा आता नहीं आता. वो इंसान सोचता है कि आखिर इसको इतना गुस्सा क्यों आता है. ओके, थ्री ऑफ कप्स है कि लेकिन ये है कि इतना सीरियस वो इस चीज़ को नहीं लेता, लेकिन टावर एनर्जी है लाइक एक एक्सप्लोजन है, या कह लो कि एक सप्रेस्ड एनर्जी है कि जो उसके अंदर भी है, उस पर्सन के अंदर. और वो दूसरों को यही कहता है कि मतलब लिटरली ये पर्सन आपको ऐसे एक्सप्लेन करता है कि आपको कोई ना तंग करे तो ये उसके हक में बेहतर होगा, ठीक है. सो या आई डोंट नो व्हाई ये पर्सन बहुत ऐसे ना एज इफ डरी हुई एनर्जी है. डरी तो नहीं, रिस्पेक्ट ही होती है अगले के, डरता कौन है किसी से. बट या आपके गुस्से की वो कदर करते हैं लाइक उसको सीरियसली लेते हैं, ठीक है. सिक्स ऑफ कप्स और क्या एक्सप्लेन करते हैं? टेन ऑफ पेंटिकल्स. कुछ लोगों के केस में हो सकता है आप लोग काफ़ी देर से एक दूसरे के साथी हो, या आप लोग काफ़ी देर से कनेक्शन में रहे हो, या आपकी जो शादी है जब शादी होगी ऑफकोर्स वो बहुत अरसा लंबा चलेगी. ओके, दूसरी चीज़ मुझे दिख रही है टेन ऑफ पेंटिकल्स के साथ, मतलब आप लोगों की ऐसी एनर्जी रहेगी पूरी शादीशुदा जो आपकी ज़िंदगी है ना, यू सी है स्टार्टिंग फ्रॉम द सिक्स ऑफ कप्स. सिक्स ऑफ कप्स इज़ अ कार्ड ऑफ बचपन, आपका चाइल्डहुड, या एटलीस्ट आपका टीन एज, मतलब जहाँ आपका लोग बहुत अर्ली लव, ठीक है. और वो दैट इज़ लिटरली मचोरिंग, टेन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है. मतलब मचोरिंग इनटू हैविंग आपके सारे बच्चे, आपका पूरा घर बना लेना जब इंसान होता है लेट 40s 50s 60s 70s में. तो ये ऐसा बंदा लॉन्ग टर्म सोचता है कि मतलब ऐसे वो उनको ऐसे लगता है कि ये वो बंदा ये वो बंदी है कि जिसके साथ मैंने अपना जवानी गुजारी है, मैंने अपना टीनेज या 20s गुजारे हैं, और उसके साथ ही मैं बूढ़ा होना चाहता हूँ. This is what this person is telling others about you. और आप एक वाइफ मटीरियल हो, आप एक हस्बैंड मटीरियल हो. यू आर नॉट द वन के जिसको मतलब गर्लफ्रेंड बनाई. यूसी लड़के कहते हैं ना कि भाई बच्ची पटाई और लग मैंने बच्ची ये वो, तो दैट इज़ नॉट आई. ही नेवर यूज द वर्ड बच्ची फॉर यू अगर आप फीमेल हैं. ओके, गर्लफ्रेंड बच्ची ये वो, इस तरह के वर्ड्स उन्होंने कभी भी जो है ना आपके लिए यूज़ नहीं किए जो डिसरिस्पेक्टफुल हों, क्योंकि ये बंदा आपके साथ अपना पूरा फ्यूचर देखता है, आपको अपने बच्चों की माँ समझता है, फ्यूचर मदर, ठीक है. तो अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं इनसे, तो ऑफकोर्स द करंट आपका जो पार्टनर है या आपको अपने बच्चों की माँ अगर उनके साथ बच्चे हैं, तो ऑफकोर्स इस रेफरेंस से ये रिस्पेक्ट बहुत करता है आपकी ना. तो एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन है ये, बहुत ही लंबा अरसा आपके चलेगा. ये सी एम्प्रेस, अगेन यहाँ पे मदर एनर्जी है. यू आर गोइंग टू बी प्रेग्नेंट वेरी सून अगर आप मैरिड हैं. इवन इफ़ यू आर नॉट, आपके शादी के बाद आई कैन सी अर्ली प्रेगनेंसी. कुछ लोगों के केस में 3 महीने, मतलब शादी के पहले 3 महीने में ही आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है. मतलब प्रेग्नेंट आप हो जाएंगे, पता बेशक बाद में चले थोड़ा, बट या अर्ली मंथ्स आर रियली इम्पॉर्टेंट फॉर दिस कनेक्शन. टू ऑफ वैंड्स, व्हाट एल्स ही वांट्स? गाइस, ये इंसान आपका मतलब लोगों को बताने से कि वो आपसे प्यार करता है नहीं हेजिटेट करेगा ज़रा बराबर भी. दिस पर्सन इज़ द वन टू वांट्स की एनर्जी के साथ ये पर्सन काफ़ी कह लो आप मच्योर है, या कह लो कि आप कनेक्शन में काफ़ी स्ट्रांग है. ये बंदा वो है कि जो पार्टनरशिप के लिए बेस्ट है, ठीक है.
और वो आपको भी ऐसे ही देखते हैं टू वैंस के साथ, बिकॉज ये इंसान आपको अपना अदर हाफ मानता है, ठीक है। और ये इसको ऐसे इसको लगेगा कि दिस पर्सन इज़ द वन जिसने उसका एक मिसिंग पीस जो होता है ना इंसान का, जो इंसान को लगा अधूरा अधूरापन लग रहा होता है, दैट इज़ द थिंग दैट एनर्जी इज़ कमिंग अप। कि इंसान ऐसे सोचता है कि आप वो अधूरा हिस्सा हो जिसको वो पूरा जो है नहीं कभी भी कर सकते थे, कि जो आप में क्वालिटीज है जैसे आपने पूरा किया, ठीक है। किंग ऑफ कप्स से बहुत ज़्यादा जज्बात है, अगर वो अपने फैमिली को बता रहे हैं आपके बारे में तो वो ये साफ बोलेगा कि हाँ मैं प्यार करता हूँ, हाँ मेरे जज्बात हैं और मैं इससे नहीं हटूँगा पीछे, और मुझे इससे पार्टनरशिप पेयरिंग करनी है, दैट इज़ द लीगल पेयरिंग, मतलब शादी, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट इज़ टेलिंग दैम, या आई डोंट थिंक सो कि कोई हेजिटेट कर रहा है अपने पेरेंट्स को बताने से, पेज ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर अगेन लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, हो सकता है थोड़ी हेजिटेशन हो क्योंकि टू सोर्ड्स है अगर पेरेंट्स से बात करें, लेकिन यह है कि क्वीन ऑफ कप्स इसी पूरा कपल है, क्वीन एंड किंग ऑफ कप्स, आई थिंक बराबर आपकी ओर से भी उनके लिए मोहब्बत है, आपकी ओर से भी उनके लिए पूरे जज्बात हैं और आप काफ़ी उनकी केयर भी करते हो, उनको ये चीज़ आप में काफ़ी पसंद है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज टेलिंग अदर्स एंड द सेवन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी विच इज़ रियली बिल्डिंग लॉन्ग टर्म प्लान्स। पाइल नंबर वन, अगर मैं इसको पूरा इस रीडिंग को पूरा मतलब आपको बताना चाहूँ ना चोर इसका, तो दैट इज़ द वर्ड लॉन्ग टर्म प्लानिंग। ओके, ये बंदा या बंदी जो भी है ये आपके लेकर के लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं और उसको ऐसे लगता है कि यू आर द वन कि जो लॉन्ग टर्म चल सकती है उनके साथ, क्योंकि ये बंदा खुद भी थोड़ा यूनिक है, इसको अपनी खुद भी कमियों का खामियों का या यू नो हर एक में होती है, कोई परफेक्ट नहीं है, ये बात हमेशा याद रखना, तुमको पता है मेरे अंदर ये परेशानियाँ ये कमियाँ, तो उस चीज़ को लेकर के ये बंदा बंदी जो भी है उसको पता है कि ये यही है, यही वो लड़की है, यही वो लड़का है कि जो मुझे हैंडल कर सकती है। ओके, तो ये बंदा बड़ा दूर की सोच रहा है आपको लेकर के, उसी टेन ऑफ कप्स, इसको ना ऐसे पूरा हैप्पी फैमिली चाहिए आपके साथ, टेन ऑफ कप्स के साथ बच्चे होने चाहिए, आप लोग पिकनिक्स पे जा रहे हैं, चाहे ना इतना एक्सपेंसिव हो, चाहे आप किसी सस्ती जगह पे जा रहे हो या आप किसी यू नो पब्लिक प्लेस पे जा रहे हो जो फ्री की बहुत सारी आउटिंग के प्लेसेस होती हैं, ठीक है, लेकिन दिस पर्सन वांट्स के प्यार हो, एक दूसरे को देख के, जब इंसान एक दूसरे को देखे तो दिल खुश हो, ना कि चिड़ चढ़े, आजकल कनेक्शंस यही हैं चिड़ों वाले, ठीक है ना, एक दूसरे को देख के गुस्सा चढ़ता है, दैट इज़ द कार्मिक रिलेशनशिप। डेथ एनर्जी है, स्कॉर्पियो एनर्जी है, विच इज़ कैसे पर्सन को ऐसे दिखते हैं कि एक और चीज़ आ रही है यहाँ पर, कि ये बंदा ऐसे आपको बारे में बताता है कि अगर ये मेरे को ना मिली या ना मिला तो मैं लिटरली कुछ भी कर जाऊँगा, बिकॉज दिस मून एंड डेथ इज़ कमिंग अप इकट्ठा टुगेदर, विच इज़ लाइक कि अगर उनको ऐसे लगता है कि अगर आप उनको ना मिले तो वो बहुत ही अकेले हो जाएंगे, बहुत ही तन्हा हो जाएंगे, बहुत ही गम में आ जाएंगे। और डेथ एनर्जी है ऑफ कोर्स, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें पोटेंशियल एनर्जी सेव होती है, जैसे जैसे लेकर वोल्केनो, ठीक है, जैसे वोल्केनो बहुत अरसे तक अपने अंदर एक वो जो लावा होता है उसको पिघला के रखता है ऐसे हीट एंड प्रेशर उसको पढ़ पढ़ के तो फिर एक दिन वो पूरा एक्सप्लोड कर जाता है। दैट इज़ द थिंग हियर आई कैन सी कि अगर आप उनको ना मिले तो उस दिन वो जो है ना वोल्केनो अरप्ट हो जाएगा, ठीक है ना। सही, और क्या एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज़ द थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स। समहाउ कुछ गेटिंग अ चैनल मैसेज, पाइल नंबर वन, मे बी ये पर्सन काम में इतना ध्यान नहीं देता था जब तक आप इनको नहीं मिले थे। ओके, तो आपकी प्रेजेंस आपको लाइफ में लाने का शौक और जुनून ने उनको कहीं ना कहीं काम में लगा दिया है। ओके, और वो इंसान काफ़ी काम में ध्यान लगाता है ये पर्सन, तो ये चीज़ उसके पेरेंट्स भी ऑफ कोर्स नोट कर रहे हैं और उसके फ्रेंड्स अगर जो भी है कजन्स वो भी नोट करते हैं, और हो सकता है कि वो लोग खुद ही इनको ये बताते हों
कि तुम अब ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हो काम में। तो पहले तो तुम्हें कभी देखा ही नहीं था कि तुम वक्त पे, टाइम पे, समय पे पहुंचे हुए हो। अब तो तुम बिल्कुल ही काफ़ी डिसिप्लिन हो गए हो, काफ़ी तुम्हें फिक्र है अपने फ्यूचर की, राइट? एंड द नाइट ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, हाउ डू दे एक्सप्लेन टू यू, एयर ऑफ कप्स, गाइस यू हैव गॉट अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, ऐसा उनको पता है, ऐसा वो एक्सप्लेन भी करता है। बट एक चीज़ ये है कि आप अब्सेस्ड नहीं हो इस पर्सन के साथ, और इसका उनको बहुत अच्छी तरह से पता है, ठीक है? उनको इस बात का पता है कि अगर मैंने आज इसको धोखा दिया या मैंने इसको थर्ड पार्टी में डालने की सिचुएशन में डाला, तो ये बंदी मुझे छोड़ कर चली जाएगी, एक सेकेंड भी ये नहीं रुकने वाली। आई डोंट नो आप ऐसे हो या नहीं, हो सकता है आप रियलिटी में ऐसे ना हो, आप ओवर थिंकर हो, लेकिन उनको ऐसे लगता है। और वैसे आपके बारे में बात भी करते हैं कि यार अगर मैंने इसको ज़रा भी कोई दिया ना ऐसा उल्टा पुल्टा कोई क्लू या इस तरह, या मैं ऐसे कोई गलती हो गई तो ये मुझे छोड़ कर चली जाएगी। देखें ऐसा क्या क्या बातें कर रहे हैं आपके बारे में। स्टार बहुत दूर हैं आप उनसे, नाइट ऑफ वैंस बहुत ही बहुत ज़्यादा पैशनेटली आपको ये देखता है बंदा। ओ माय गॉश, नाइट ऑफ वैंस इज़ अ मोस्ट पैशनेट कार्ड एवर। और ये वो वाला पैशन है जो कि बचपन में पैशन नहीं होता, टीन एज में, लाइक जो जिसका कोई हाँ मतलब जिसमें मेच्योरिटी नहीं होती, वो चीज़ हमें चाहिए ही चाहिए होती हर कीमत पे, ठीक है? स्टार एनर्जी, यू आर डिस्टेंट, यू आप डिस्टेंस में हो, आप उनसे दूर हो, ओके? और वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं ये फिज़िकल दूरियाँ, ये यू नो आप उनसे इतने दूर हैं, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, और वो दूर से आपको देखते रहते हैं। आई डोंट नो, बिकॉज दिस पर्सन इज़ अ पैशनेट यू नो स्टॉकर, और ये है एक स्टार। जैसे हम बहुत ही शौक से तारों को नहीं ऊपर देखते हैं कितने दूर हैं, कितने खूबसूरत हैं, उनको टमटमाता देखते हैं चमकता, और हमें नहीं पता कि हम उनको कैसे पकड़ रहे हैं या कैसे हम उनको देखें या उसको उस तक पहुँचे। दैट्स हाउ, दैट्स काइंड ऑफ लव देयर इज़ फॉर माय लवली पायलम्बर वन। लेट्स सी फ्रॉम ओरेकल, व्हाट्स द एनर्जी। ऑल राइट, यू गेटिंग आई विल हील। आप उनको ऐसा हीलर लगते हो, ठीक है? जैसे आपके अंदर यू सी है, जैसे आपको गले लगा कर आप में वो अपने आप को समेट कर अपने सारे गम भुला सकते हैं। आई विल रिजॉइस, उनको लगता है कि आपके साथ उनकी ज़िंदगी दोबारा से स्टार्ट हो सकती है, दोबारा से खुशियाँ उनकी लाइफ में आ सकती हैं। वट एल्स, आई विल ट्रांसफॉर्म, या अगैन उनको ये भी लगता है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हो उनकी ज़िंदगी में, आप ही ट्रांसफॉर्मेशन हो, ये भी हो सकता है। आई फील ओपन, बहुत ही ओपन माइंडेड हैं आप, बिल्कुल भी वो नहीं हो, कंजर्वेटिव नहीं हो आप, उनको आप एक स्पेस देते हो मूव करने के लिए, आप उनको ऐसा घूमता गला नहीं घोंट देते कि भाई तुम कॉल करो कॉल करो, किधर थे इधर थे, ये वो लास्ट सीन तब था अब था ये वो, इतनी क्वेश्चनिंग नहीं करते हो। यू आर मोर इन टू योर ओन लाइफ देन दैट ऑफ दैम। ये बेस्ट एनर्जी होती है पायलवन, अगर आप इसमें है ना, तो ना तो ये बंदा कभी जाएगा आपको छोड़ के, बल्कि उल्टी और आपके ना लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आएंगे, राइट? आई फील पीसफुल, वो दिस इज़ लाइक उनको ऐसे लगता है कि वो सुकून से रात को सो सकते हैं, क्योंकि आप उनकी ज़िंदगी में हो, सुकून पीस, ऐसा उनको लगता है। दैट्स हाउ दे अज्यूम यू, आई एम अ चाइल्ड, यू जस्ट लाइक चाइल्ड, या उनको ऐसे लगता है कि यू आर अ मदर फिगर, जस्ट लाइक मदर लाइक फिगर फॉर देम, क्योंकि आप माँ की तरह उनका ख्याल रखते हो। तो उनको ऐसे लगता है कि मे भी आपकी कुछ चीज़ें उनकी मदर से मिलती हों, लाइक उनका आपका ख्याल रखने का तरीका, या कुछ लोगों के केस में ऐसे भी होता है कि अगर आप उनके मदर से ना कोई रिजेम्बलेंस हो ना, तो लड़के बहुत ज़्यादा उसको अट्रैक्ट हो जाते हैं उन लड़कियों की ओर। कुछ भी चीज़ अट्रैक्ट हो उनके मदर से रिजेम्बल कर सकती है, लाइक आपका बात करने का स्टाइल, या कुछ लोगों के केस में आपकी बॉडी या बाल या कुछ भी,
लड़के अटैच हो जाते हैं ज़्यादा उन लड़कियों के साथ, एंड आई विल फॉरगिव. वेल, ये पर्सन थोड़ा ना वो नहीं है, थोड़ा नहीं बल्कि बिल्कुल भी नहीं है स्ट्रिक्ट. काफ़ी ये आपके लिए सॉफ्ट फीलिंग्स रखता है, और इसको आप किस तरह पसंद हो, इसको आप पसंद हो जस्ट लाइक द वे यू आर. इफ़ यू डू नॉट चेंज, अगर आप कभी आपको बदलो ना तो दिट इज़ द बेस्ट वर्जन ऑफ यू. या आपसे गाइडलाइन लेते हैं, ये आपसे सीखता है, इन्होंने बड़ा कुछ सीखा है आपसे. आई डोंट नो आपने इनको क्या सिखाया है, लेकिन या आप इनकरेजर हो. ये वो एक्सप्लेन आपको ऐसे करता है कि इसने मुझे इनकरेज किया है, इसने मुझे हमेशा सही बात बताई है, कभी इसने मुझे टेंशन नहीं दी, कभी इसने मुझे रिजेक्शन में नहीं डाला, थर्ड पार्टी में नहीं डाला. दिस इज़ हाउ दिस पर्सन इज एक्सप्लेनिंग यू. देखा, आई विल इंस्पायर. इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी हो आप, आपने उनको बड़ा इंस्पायर किया अपने उसे और ऐसे अपनी पर्सनैलिटी से. आई एम द चोजन, दे चोज यू, उन्होंने चुन लिया आपको. पाइल नंबर वन, अगर आप किसी के साथ कनेक्शन में हो ना तो वो डोंट बी इन द डाउट कि उन्होंने आपको नहीं चूज़ किया. यू आर द चोजन वन, ओके. और वो इस बात को लेकर उल्टा वो ग्रेटफुल है कि आपने उनको चुन लिया, ठीक है. तो दैट सम्स अप ऑल. आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर. बाय. हेलो, वेल, हेलो लव पाइल नंबर टू. लेट्स सी व्हाट इज कमिंग अप. लेट्स सी व्हाट्स द एनर्जी अराउंड यू. आपके पर्सन या आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कैसे एक्सप्लेन करते हैं या करेंगे, हाउ वुड दे डिस्क्राइब यू टू देयर फैमिली या फिर फ्रेंड्स या फिर बोथ. लेट्स सी व्हाट्स कमिंग अप फॉर यू. टेन ऑफ पेंटिकल्स. ओह माय गॉश, दिस एनर्जी इज रियली स्ट्रॉन्ग. टेन नंबर पहले ही निकलना. Oh my God! With the Four of Wands, ooh, Eight of Pentacles. Well, pile number two energy बहुत ही high है आपके group के लिए, because this energy is all about enjoyment, all about having fun, all about being a homely person. Okay, मुझे ऐसे दिखता है फोर एवेंट्स के साथ, बिकॉज दिस इज़ 11-11. यू नीड टू क्लेम दिस 11-11 एंजल नंबर. यू नीड टू हिट अ लाइक बटन टू दिस रीडिंग. एंड ऑल्सो आप ऐसे भी करें कि आप अपने कमेंट सेक्शन में भी लिखें कि योर पर्सन इज़ विद यू, ओके. और यहाँ पे 11-11 भी कहीं ना कहीं पोस्ट करें, लिखें, ओके. दिस इज़ अ डिवाइन यूनियन. ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है. इसके साथ साथ ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, मतलब वो है, ठीक है. आपके सोलमेट हो सकते हैं, बट दिस सोलमेट इज़ नॉट द वन के जो मतलब कोई लाइट वाला सोलमेट नहीं है. दिस इज़ अ वेरी वेरी इंटीमेट सोलमेट, बहुत हाई लेवल का सोलमेट है, ओके. और ये बंदा या बंदी आपको एक्सप्लेन ऐसे करते हैं विद एट ऑफ पेंटिकल्स कि ये बंदा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका हुआ है, या जब आपकी शादी हो गई ये बंदा बहुत ज़्यादा आपकी पर्सनालिटी में, आप जो हो उसमें इन्वॉल्व होगा. टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी इज ऑलमोस्ट टेलिंग मी कि ये बंदा आपको ऐसे देखता है कि एज इफ आप उनकी पूरा घर, पूरी यू नो, पूरा जो आपका घरौंदा, पूरा घर, पूरा यू सी उनका से लगता है कि आप ही उनकी होम हो, ठीक है. जैसे आपके बगैर घर अधूरा है, आपके बगैर वो घर में नहीं घुस सकते. आप वो मतलब उनको घर काटने को दौड़ता है विदाउट यू. दिस इज वट इज़ थिंकिंग. ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स इज ऑलमोस्ट लाइक कि बंदा आप में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होगा. अगर आप मतलब ऐसे पर्सन हो कि आपको फ्रीडम चाहिए, या आप लाइक आप नहीं बर्दाश्त कर सकते कि कोई आपके प्राइवेट मैटर्स में इंटरफेयर करे, तो आई एम सॉरी ग्रुप नंबर टू, ये बंदा आपके मैटर्स में इंटरफेयर करेगा. मतलब किसी नेगेटिव वे से नहीं, उनको बस मज़ा आता है, उनको पसंद है आपसे बातें करना, आपकी बातें पूछना, मतलब आपसे वैसे गप्पे लगाना. दिस इज़ वट ही इज़ थिंकिंग, दिस इज़ वट हाउ इज़, ओके. तो ये कोई ऐसा नहीं कि वो कोई डाउट कर रहा है आप पे या इस तरह, ये इस तरह इसीलिए है, इसी तरह है
कि बंदे को आपकी कंपनी, आपसे बातें करना अच्छा लगता है। मे भी आप लोग कॉल्स पे भी बहुत लंबी लंबी अगर बातें करते हो तो ये भी आपसे रेजोनेट करता है, बिकॉज वो आदत पड़ चुकी हुई है आपसे बातें करने की आपसे गपशप करने की इसी। सो या ये दोस्तों को ये बताता हूँ, मैं बहुत, मैं नहीं रह सकता इसके बिना। मैं, मेरा ये शी इज़ द वन के जो उसने मुझे कंप्लीट किया है, हमेशा ज़िंदगी में दूर आ रहा हूँ। ओके, नाउ दिस इज़ द एट ऑफ कप्स एनर्जी, ऑल्सो द टावर एनर्जी। ओ माई गॉड, अगर तो आप कभी चले गए, ऐसा वो बोलते हैं, आपको तो नहीं बताएंगे लेकिन हम यू नो फ्रेंड्स को या फैमिली को जिसके साथ भी हैं वो बताते हैं कि अगर तो ये चली गई, बिकॉज एट ऑफ कप्स की एनर्जी है मूव ऑन की, यहाँ छोड़ के चले जाने की, तो टावर कार्ड है, ठीक है। ऐसा वो बोलते हैं कि मैं जो ना फिर मैं कुछ भी कर दूँगा, दिस वर्ड इज़ telling them, yes, maybe, I don't know, maybe आपको नहीं पता इस चीज़ का, लेकिन ये बंदा बहुत सीरियस है आपके अंदर, या शादी के बाद जो भी आपका हस्बैंड है वो बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे, और कभी आप उनको, इवन इफ आप कभी यू नो मैके भी जाते हो, ठीक है ना, तो भी दिस इज़ अ टावर एनर्जी, तो भी इनका दिल नहीं लगना पीछे से, फिर भी लाइक कब आएगी कब आएगी कब आएगी, कॉल करो ये करो, आपको तंग भी हो सकता है, बिकॉज दिस पर्सन इज लिटिल बिट क्लिंगी, या मतलब चिपकू टाइप, आई एम सॉरी, चिपकू इज अ बिट लाइक दैट टाइप, बट या ये तंग करेंगे कॉल्स कर करके बहाने बहाने से, सच डायरेक्ट तंग नहीं करेंगे ना, बड़े चलाकू हैं ये, यू विल बी लाइक ओके मेरी वो चीज़ कहाँ है, मुझे नहीं मिल रही, तब आओगी, ऐसे बातों बातों में दिल में आपको पता होना कि क्यों कॉल्स कर रहे हैं, चीज़ें सारी इनको मिल रही हैं बट ऐसे ही। एनीवेज, सेवन ऑफ वैंड्स एंड फाइव ऑफ सोर्ड्स, भाई गुस्सा आपका नहीं है उनको, मतलब अगर आपको भी गुस्सा हो जाता है दिस पर्सन विल बी लिटरली बी लाइक के गुस्सा नहीं होना आपने, आपका गुस्सा उनसे बर्दाश्त नहीं है, ठीक है। और इसी सेवन ऑफ वैंड जैसा ऑल अबाउट प्रोटेक्शन, और वो ऐसी मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि आपको गुस्सा ना चढ़े, और अगर चढ़ गया है तो उसको कैसे कूल डाउन करना है, ऐसी वो तरकीबें सोचते रहते हैं, और यस वो बताते हैं, ये बात वो बताते हैं कि इसको गुस्सा चढ़ जाता है जब, तो फिर मेरी खैर नहीं होती। ओह माय गॉड, आपको लगता है बहुत गुस्सा आता है ग्रुप टू मैजिशियन एंड डेथ एनर्जी, अगेन यहाँ पर 1 and 13 नंबर आया, 131 आप किसी के लिए नंबर रेजोनेट करेगा, या 13 1 8 नंबर, 10 नंबर, 4 8 दो बार, या 88 कोई भर्ती हो सकता है, 5 नंबर, 7 नंबर, और 4 16 नंबर, अगेन 7 7 दो बारी, ठीक है। तो मुझे ऐसे लगता है ग्रुप नंबर 2 के ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा हेल इन्वॉल्व है आपके अंदर, और डेथ और मैजिशियन के साथ ये दुआ में, प्रार्थना में, पूजा में, प्रे में, जो भी इनके रिलीजन है, ठीक है, ये बंदा आपको मांगता है, और ये बात सच्ची है, ये बात 110% सच्ची है कि ये बंदा, मैं भी आपको ना बताए क्योंकि यू नो थोड़ा उनको एम्बेरस ऐसे हो सकते फील होता हो बताते हुए, लेकिन ये बंदा आपको दुआओं में, प्रार्थना में मांगता है गॉड से, उसने बड़ी दुआई की हुई है कि मेरा और आपका, मतलब आपका और उनका जो है वो कनेक्शन बन जाए, शादी हो जाए, और लाइक स्टफ लाइक दैट। टेम्परेंस, व्हाट डज दे टेल अबाउट यू टू अदर्स, सिक्स ऑफ वैंड्स, अगेन उनको ऐसे दिखता है कि आप काफ़ी सक्सेसफुल हो अभी भी, और फ्यूचर में भी आप इससे भी कई गुने ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हो, बट दी टेम्परेंस एनर्जी इज़ लाइक लिटरली बींग बैलेंस्ड, एक पर्सन को ऐसे ऐसे एज इफ आप ना ग्रुप नंबर 2, आई डोंट नो अभी आप मैरिड हो या नहीं हो, लेकिन जब आप मैरिड होगे ना, आपको मैं एक फाइनेंशियली, तो एटलीस्ट फाइनेंशियली बात करूँगी, मैं पूरी तरह से स्टेबल देख रही हूँ, एक ऐसा इंसान, एक ऐसी लड़की
यह लड़का कि जिसको स्टेबिलिटी के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए पार्टनर की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा वो दूसरों को बताते हैं कि भी वो खुद सेल्फ सफिशिएंट है। व्हाट डू आई ऐड ऑन इन हर लाइफ, मैं क्या एडिशन करूँगा उसकी ज़िंदगी में, उसके पास तो ऑलरेडी सब कुछ है, ऑलरेडी सक्सेसफुल है, ऑलरेडी हैविंग अ जॉब, ऑलरेडी हैविंग अ फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो मे बी मुझे समझ नहीं आती कि मैं उसको क्या दूँ कि उसको इम्प्रेस करूँ, या उसको तो मेरे से कुछ भी नहीं आई थिंक चाहिए मुझे, हो सकता है उसको मेरी ज़रूरत भी ना हो, वो तो पता नहीं क्यों मेरे साथ है ऐसे ही। दिस इज़ व्हाट इज़ थिंकिंग अबाउट यू। हाँ अगैन एग्जैक्टली क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हो अगस्त टाइम ग्रुप टू, यू नेवर नो कब आपकी शादी होती है, लेकिन उस वक्त तक आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए। इफ़ यू वॉन्ट टू क्लेम दिस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जस्ट राइट द एंजल नंबर 888, ओके, एंड एंजल नंबर 444। अगर आप ये वाली फाइनेंशियल फ्रीडम को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो आप ये एंजल्स नंबर लिखे 888, एंजल नंबर 444, एंड 1111 भी लिख सकते हैं। यू नीड टू क्लेम दिस मनी अबंडेंस। ऑलराइट, थ्री ऑफ पेंटिकल्स अगेन, यू बी हैविंग अ वंडरफुल जॉब एट दैट टाइम, और उनको आपकी आपकी करियर से काफ़ी इम्प्रेस है पर्सन या स्टार। ओ माय गॉड, ग्रुप टू, यू आर गोइंग टू बी बिग स्टार इन द फ्यूचर, दिस इज़ रिटर्न, दिस इज़ डेस्टिनी एंड दिस इज़ लव, ओके। सो मुझे ऐसा दिखता है विद दिस एनर्जी के आप और आपका पर्सन काफ़ी हाई क्वालिटी लग्जरी लाइफ इंजॉय करने वाले हैं, और समहाउ आई डोंट नो, अभी आप ऑब्वियसली अभी तो आप प्रोग्रेसिव स्टेट में हो गए, प्रोग्रेस कर रहे हो गए अपनी ज़िंदगी में, वहाँ पे टॉप पे पीक पे नहीं पहुँचे हो ज़्यादातर लोग, लेकिन उनको ना मतलब उसी पोटेंशियल पता होता है हर एक का कि कौन कहाँ तक जा सकता है। मे बी ये पर्सन करियर में इतना आगे नहीं है अभी, या इनका फील्ड भी इतनी वो नहीं है जितनी आपको वो समझता है, और ये वो डिस्कस करता है अपने फैमिली से या फ्रेंड से कि मतलब मैं कैसे इसका कर सकूँगा, इसको तो शायद मेरी ज़रूरत भी ना पड़े, और लाइक बड़ा कम समझता है आपसे अपने आप को। बट या गाइस, अगर चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं हो रही, पहली बात आप दूसरा पायल देख लो, या फिर दूसरी बात ये कि आपका फ्यूचर है, ओके, यू नेवर नो कल आपके साथ क्या होता है, आपका करियर अभी बेशक ज़ीरो पे है, कल को आप हीरो भी बन सकते हो, ओके। सो नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्सल चेंज। अगर आप यूनिवर्सल चेंज को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो कि मुझे दिख रहा है, टाइप 555 एंजल नंबर राइट नाउ, लाइक दिस रीडिंग टू सेंड द ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स यूनिवर्स, ओके। आई डोंट नो व्हाई मुझे बहुत हाई वाइब्रेशन फील हो रही है इस ग्रुप के लिए, बिकॉज आप एक ऑर्डिनरी इंसान नहीं हो ग्रुप टू। अगर आप 100% पोटेंट करो अपने उसमें ना करियर में, दिस रीडिंग इज़ मोर लाइक योर करियर रीडिंग, क्योंकि एनर्जी बहुत है आपके करियर की, और आपका पर्सन बहुत इन्फ्लुएंस्ड है आपसे ना, आपके करियर अचीवमेंट्स से। सो या व्हाट एल्स दे आर डिस्क्राइबिंग अबाउट यू, द मून एंड एस ऑफ सोर्स, क्लैरिफाई द मून स्पिरिट, टेन ऑफ वैंड्स। गाइस, हो सकता है आपके ऊपर बहुत सारे प्रेशर हैं, अपनी फैमिली को लेकर के बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ओके, तो आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छी तरह से निभाते हो, ये आपकी बहुत अच्छी चीज़ है। ये भी उनको एक है किंग ऑफ सोर्स। गाइस, ये भी बात करते हैं अपनी फैमिली से कि आप कि वो लोग जाके मतलब रिश्ते की बात करें, कुछ लोगों के केस में अगर आपको ऐसा लगता है ना, वो रिश्ते की बात नहीं करते अपने पेरेंट्स से, ये गलत है, वो कहते हैं कि आप रिश्ते की बात करें, मतलब रिश्ता भिजवाएं इस तरह, ठीक है। सेवन ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, वेल आप एक ऐसी क्वीन हो उनकी कि जिसको अगर उनको कुछ गलत काम, कुछ चोरी छुपे भी कुछ करके आपको पाना पड़ा,
ये पार्ले का, बिकॉज सेवन ऑफ हैंड्स सॉरी सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स इज अ कार्ड ऑफ लाइक, जब इंसान छुप छुप के कोई काम करता है ना, या आगे उसको गिल्टी फील हो रहा होता है कि मुझे काम नहीं करना चाहिए, लाइक गलत काम कोई, बट वो कर लेता है बिकॉज आप में अट्रैक्शन इतनी है. क्वीन ऑफ वैंस इज लाइक वेरी अट्रैक्टिव. दैट इज़ द किंग, दैट इज़ द थिंग जो मुझे दिख रही है ग्रुप नंबर टू में, और आपके जो जो है एनर्जी. ओके लेट्स सी व्हाट्स कमिंग अप नेक्स्ट. आई एम फ्री. वेल एक ओपन माइंडेडनेस आपकी. ओके आप उन पर फजूल किस्म की पाबंदियाँ नहीं लगाते हो, ये पसंद है उनको, ये बात करते हैं. आई विल सरेंडर अगैन, प्रेयर करते हैं बहुत ज़्यादा, अपने फ्रेंड्स को बताते हैं कि यार इतनी दुआएं करता हूँ, इतनी प्रार्थना करता हूँ कि मेरे को मिल जाए. ठीक है, आई एम गिफ्टेड, यू आर द बिगेस्ट गिफ्ट, उनको ऐसे लगता है कि यूनिवर्स की तरफ से है. ओके यू आर द बिगेस्ट गिफ्ट फ्रॉम गॉड एंड आई विल होप, काफ़ी होप है उनको भी. होपलेस ये नहीं है कि आप ज़्यादातर एनर्जी ना मुझे इधर रिजेक्शन की नज़र आ रही है, वो रिजेक्शन आपकी तरफ से है ग्रुप टू, और मे बी ना हो लेकिन रियलिटी में, लेकिन उनको ऐसे दिखता है, उनको लगता है कि यार इसने यार कभी नहीं मुझे हाथ पकड़ाना अपना, दैट वाइज थिंग आई एम ट्रायड. लेकिन उनको ये ना, बट ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ यू, ही इज़ रियली रियली प्राउड ऑफ यू कि आप बहुत ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा ना, उनको ऐसे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा लकी हैं आपको पा के. आई एम वर्थी, लेकिन उनको ऐसे लगता है कि उनकी वर्थ और ऊपर हो गया. आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ थिंग यू डू, मुझे नहीं पता ग्रुप टू, लेकिन आई कैन सी के अ बिग रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी आपकी सूरत में जो कि उनको देखती है, बहुत रिस्पेक्ट बहुत करता है, बड़ा इम्प्रेस है आपसे, कैप्टिवेटिंग. अगैन ऑफकोर्स लुक्स में भी उनको लगता है कि आप पे तो कोई भी मरेगा, आप पे तो कोई भी जो है वो यू नो अपनी जान दे सकता है, यूसी कोई भी आपके ऊपर आपको पसंद कर सकता है, आप इतनी अट्रैक्टिव हो. वाओ आई विल हील, हीलर हैं आप, हीलिंग हो रहा है उनको आता है आपसे. एंड ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा हाई अट्रैक्शन है यहाँ, एक्सट्रीम अट्रैक्शन है. एंड प्रोटेक्ट, आई विल प्रोटेक्ट, वो इस कनेक्शन को भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और आपको भी प्रोटेक्शन ये इंसान देना चाहता है. ओके और ये बंदा इस कनेक्शन को लीगलाइज्ड करना चाहता है शादी करके, बिकॉज उनको ऐसे दिखता है, उनको ऐसे लग रहा है कि आपके जैसा उनको कभी कोई नहीं मिलना. ऑथेंटिक वैसे उनको ऐसे दिखता है, उनको ना ऐसे लगता है कि एज इफ आप एक ऐसा पर्सन हो को जो काफ़ी ऑनेस्ट हो, उनके साथ हमेशा ऑनेस्ट रहे हो, आपकी ऑनेस्टी आपकी ऑथेंटिसिटी, आप झूठ नहीं बोलते, उनको काफ़ी इम्प्रेस करती है. ठीक है ना, आई फील बैलेंस्ड, बैलेंस्ड एनर्जी है. और यहाँ पर रॉयल्टी के बाद मैं कर चुकी हूँ पहले, यही एक्सप्लेन मैं कर रही हूँ उस वक्त से रीडिंग में, कि ये बंदा आपको कोई आम इंसान नहीं समझता. ठीक है, और आप हो भी कहीं ना कहीं, आपने इतना अपने ऊपर वर्क किया हुआ है कि यू आर द वन, यू आर द रॉयल वन. फ्यूचर में आप रॉयल स्टाइल के जिंदगी भी कुछ लोग हैं जो यू सी, कुछ लोग समबडी वर्जन ओवर हियर, और आपके पर्सन को पता है इस बात का, दिस इज़ अ प्लस पॉइंट. लेकिन ये बंदा ने ना आपको चूज़ कर लिया हुआ है, यू सी आई एम सील्ड. ओके यू आर द वन कि आई एम बॉन्डेड, या काफ़ी कनेक्शन उनको फील होता है आपसे, और दिस इज़ अ वेरी लविंग बॉन्डिंग आप और आपके पर्सन के बीच में. सो दिस इज़ वेरी लाइक लिटरली यू आर चोजन वन, पाइल नंबर टू. इनको कोई डाउट नहीं है कि आपके साथ कनेक्शन कैसा है, इनको कोई डाउट नहीं है कि आप उनको मिलोगे या नहीं मिलोगे, मतलब डाउट उनकी तरफ से नहीं है, अपनी तरफ से उनको कि मतलब वो कभी आपको छोड़े ऐसा वो सोच भी नहीं सकते. ठीक है ना, आप काफ़ी इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी हो, और आई विल वर्शिप अगैन, बहुत ज़्यादा प्रे करते हैं ग्रुप टू, बहुत प्रे निकल रहा है, हर पर्सन बेचारा बहुत दुआएं बहुत इस तरह करता है कि आप जो ना उनके बन के रहो हमेशा. आई फील पीसफुल, काफ़ी उनको पीसफुल फील होता है आपके साथ, और आई एम चेरिश्ड. लाइक एक तो वो आपको
प्यार बहुत करते हैं, ठीक है। दूसरा, उनको आपके साथ बिताए हुए लम्हे, बिताई हुई ज़िंदगी, पुरानी मेमोरीज जो आप दोनों ने मिलके बनाई हैं, वो सब उनको बहुत याद आती है। इस बंदे की मेमोरी बहुत तेज़ है, ठीक है। उसने कोई भी मोमेंट, कोई भी चीज़ जो है वो नहीं मिस की, कोई भी वो चीज़ वो जो है ना इस तरह की भूला नहीं है। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल सी यू माय नेक्स्ट रीडिंग। बाय।